आज जो देश के किसान है वे दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी और भी यहाँ पे जैसे कि पहले लड़े थे अब भी लड़ेंगे इस तरह के नारे लगाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे किसान आए हुए हैं। जो अध्यादेश, जो 3 अध्यादेश यहाँ पे लागू किए उनका विरोध करने के लिए किसान आए हुए हैं। जैसे कि आपने देखा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हर राज्यों में उन अध्यादेश का विरोध हो रहा, तो उसी को विरोध के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे आए हुए हैं और इसी को लेके साथ कुछ किसानों को यहाँ पे गिरफ्तार भी किया जा रहा, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे और उस अध्यादेश के बारे में इन किसानों ने हमें बताया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और किस तरह यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। देखिए अभी तक मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 32 निर्णय किसान विरोधी लिए हैं, चाहे वो बोनस का हो, चाहे लैंड बिल का हो, चाहे कपास निर्यात का हो। उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो 3 अध्यादेश हैं ये किसानों की, इस देश के किसानों की मौत का वारंट है और इसके बाद इस देश का किसान नहीं बचेगा। आज किसान की लड़ाई जो है वो अंतिम लड़ाई, अंतिम सांसों में लड़ाई लड़ने जा रहा है। 3 अध्यादेश के बारे में आप बखूबी जानते हैं, फिर भी मैं एक एक लाइन में संक्षेप में बताता हूं आपको। पहला अध्यादेश इनका है एक राष्ट्र एक कृषि बाजार, जिसमें प्राइवेट मंडियां खुलेंगी। प्राइवेट मंडियां किसानों पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, उनका तौल होगा, उनका मोल होगा, उनका तौल काटा होगा, उनके हिम्माल होंगे, उनके व्यापारी होंगे। प्राइवेट मंडियों में जो माल बेचेगा, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक और कदम आगे गए, जो प्राइवेट मंडियों में परचेज करेंगे लोग उन पर टैक्स नहीं लगेगा मध्य प्रदेश में। तो ये एक देश एक बाजार में प्राइवेट मंडियों को जो मौका दिया जा रहा है किसानों को लूटने का, एक योजना बनाकर बड़े बड़े पूंजीपति इसको मंडियां खोल रहे हैं। नंबर 2, 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें जमाखोरी पर रोक लगाई गई थी, उस पर छूट दे दी गई है। अब कोई भी व्यापारी भारी संख्या में सामान परचेज करेगा किसानों का होने पौने दाम में और जनता को महंगे दाम में लेगा, क्योंकि जमाखोरी की छूट है। तीसरा अध्यादेश भाई साहब बताएंगे। देखिए जो तीसरे अध्यादेश में इन्होंने बड़ी खतरनाक बात की है कि कंपनियों को छूट दी है, विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी और किसानों की जमीन लेंगी और पहले वो उनका फसल का भाव गिराकर उनका ठेका गिराएंगे, उनका जो रेंट गिरा देंगे और उसके बाद वो कंपनियां वो जमीन लेंगी और उसकी वजह से किसानों के हाथ से जमीन खिसक जाएगी, निकल जाएगी और किसान को अपने ही खेत में मजदूर बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए ये 3 अध्यादेश हैं जो वो किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं और यहाँ की पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल खिलाफ है। पब्लिक सर किसान कहाँ तक ये लड़ाई लड़ेंगे? अब ये बताते हैं, ये उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। जिस तरीके से किसानों ने इस सरकार का भूमि अधिग्रहण वापस कराया था, उसी तरीके से ये बिल वापस लेने होंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान किसानों के स्वाभिमान का सवाल है, उनकी बर्बादी का सवाल है। एक एक किसान का बच्चा, बच्चे, महिला सब सड़क पाएंगे इसको लेकर। लॉकडाउन के नाम पर किसान साथी बहुत बड़ी गद्दारी की जा रही है और किसानों के नाम पर बड़ा मजाक किया लॉकडाउन के नाम पर। लॉकडाउन में सब कुछ हो रहा है, कंपनी बिक रही है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन किसान की लड़ाई के नाम पर लॉकडाउन बर्बाद की कोशिश जारी है। तो लॉकडाउन के नाम पर ये किसान विरोधी अध्यादेश लागू नहीं होने जाएंगे, इसके लिए हम पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चलाएंगे। उसके लिए सरकार जो चाहे वो करे, हमें कोई परवाह नहीं इस बात की, लेकिन किसी भी क्यों। आखिर किसानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा कि उनको रोडों पे आना पड़ रहा? वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, तो ये है अध्यादेश आके ये किसानों की आय बढ़ाई जा रही, जिस तरह इनको यहाँ पे गिरफ्तार
किया जा रहा है, आप सामने देख सकते हैं इस चीज को। और दिल्ली पुलिस और जो फोर्स है यहाँ पे वो उन लोगों को गिरफ्तार करके जा रही है, आप देख सकते हैं सामने से। ये हाल है किसानों के लिए, किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, आप खुद समझ सकते हैं। कृषि अध्यादेश वापस लो। देखिए ये जो मोदी सरकार जो कृषि अध्यादेश लेके आई है ये किसानों के लिए मौत का फरमान है। अगर सरकार इन्हें संसद में पास करती है तो रोड पे किसान आंदोलन होगा पूरे देश में, ऐसा आंदोलन जो मोदी सरकार ने नहीं देखा होगा। ये मोदी सरकार ध्यान रखे। अध्यादेश वापस ले सरकार, हमारे खिलाफ उठाया ये कदम, हमारे खिलाफ में ये कदम, हम बर्बाद हो जाएंगे किसान, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हमें विरोध करने। जैसे कि हमने किसानों से बात की वो कह रहे कि हम बर्बाद हो जाएंगे ऐसे अध्यादेश आने पे, तो आप देख सकते हैं किसानों को कैसे गिरफ्तार यहाँ पे किया गया और बस में उनको बैठा कर। किसान विरोधी ऑर्डिनेंस रद्द करो, रद्द करो, किसान विरोधी ऑर्डिनेंस रद्द करो, रद्द करो, देश का किसानों एक हो जाओ, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय जवान, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.